अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हमारे बारिश हो चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ डेरे में क्या हो रहा है, जानवर कैसे चारा खाते हैं। शाम का टाइम है, अभी मैं डेरे पे लेकर चलता हूँ आपको। आप देखें हमारे डेरे को, ये मैंने दरवाज़ा खोला डेरे का, ये देखें, जब देखा तो ये देखें पानी ही पानी हर तरफ खड़ा था, जानवर कुछ खुले छोड़े हुए थे हमने। ये देख सकते हैं पानी कितना इधर आ चुका है। जब बारिश होती है तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो खड्डे बन जाते हैं पानी आ जाता है, उसकी वजह से फिर माल को चारा डालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरा कैमरा आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सब डेरा ख़राब हुआ पड़ा है सिर्फ बारिश की वजह से। हम इसलिए कहते हैं कि बारिश ना ही आया करे तो अच्छा है, थोड़ी आ जाया करे, लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला की मर्ज़ी, बारिश भी एक नेमत है। आप देख सकते हैं ये सब जानवर, अब इनको बैठने का मसला हो जाता है। ये देखें चारा अभी डालने लगे हैं, ये जानवर सब इकट्ठे हो चुके हैं, ये देखें अभी चारा इनको डालेंगे तो फिर कैसे सब जानवर इकट्ठे होकर भागकर उसके पीछे जाएंगे। यार हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख लिया करें पूरी। यार ये हमारे डेरा है, डेरे में यार आज तो डेरे में गंदी हो चुका है, बहुत मसला बन चुका है। अभी जो लड़का इधर चारा डाले इससे पूछते हैं बारिश में चारा डालना कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार दूसरा जो बारिश पई होवे तो पट्ठे पाना मुश्किल लगता ना। हाँ जी मुश्किल लगता। हाँ हाँ उन्हें भी दसा मुश्किल लगता, देख सकते तुसी यार चारा सी हुण तुहानू गाइयां गुइयां ये पट्ठे छुट्टे ते इधर देखते हैं, इधर एक होर बच्चा लगा हुआ मुर्गियां छड के तुहानू दिखाउने आ। यार साडी वीडियो पूरी देख लिया करो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।